हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा, और ये पाठ 12 है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो है कहानी लेखक के बचपन की कहानी है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की एक घटना के बारे में हमको बताया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। लेखक के अनुसार जब वह छोटा था तो उसने एक बार अपने घर के आंगन में एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा, जो बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। जब सांप के बच्चे ने लेखक को देखा तो वह जल्दी से डर के कारण एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था उसमें जाकर छिप गया, और लेखक ने उसको पत्थर के एक टुकड़े से नारियल के खोल के मुंह को बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया, और उस नारियल के खोल को लेकर लेखक अपनी नानी के पास गए और उन्होंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब नानी ने लेखक के हाथ में नारियल का खोल देखा और लेखक ने कहा कि उसने एक सांप पकड़ा है, तो नानी जोर जोर से चीखने लगी और उन्होंने उस खोल को लेकर दूर फेंक दिया। नन्ना सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया, और जो छोटा सा सांप था नारियल के खोल में छिप कर बैठा था वो बाहर आया और जल्दी जल्दी एक झाड़ी के में छिप गया और गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी शाम को मैं एक पर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। जब नाना ने लेखक से मना किया कि आइंदा कभी सांप को मत पकड़ना, तो लेखक उनकी बात को समझ गए। लेकिन उसी दिन शाम को लेखक ने एक बर को पकड़ने की भी कोशिश की तो उस बर ने लेखक को काट लिया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते हुए नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। जब बर के काटने से लेखक को दर्द हुआ तो नानी को ऐसा लगा कि कहीं बच्चे को सांप ने तो नहीं काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोदी में उठाकर भागे, और जैसे ही नानी ने नाना को बुलाया तो नाना ने लेखक की उंगली देखी तो वह नीली पड़ चुकी थी, और डर के कारण नाना जी ने लेखक को अपनी गोदी में जल्दी से उठा लिया और उसको लेकर बाहर भाग गए। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए, और लेखक के नाना जी उसको गोद में लेकर अपने घर से बहुत दूर एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए, और वहां जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, वह सांप काटने का मंत्र जानता था, और नाना जी लेखक को ऐसे व्यक्ति के पास लेकर गए जो कि सांप काटने का उपचार करता था, और उसको ठीक करने के लिए उसको कुछ मंत्र भी आते थे। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में लेकर गया। ऐसा कहकर नाना जी ने लेखक को उस आदमी को दिखाया और वह आदमी लेखक को लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, और उंगली को देखकर कहा कि चुपचाप आप यहीं बैठो और आप बिल्कुल भी हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं तो चाहता बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। लेखक कहते हैं कि उनका मन तो हो रहा था कि वो सबको बता दें कि उनको एक सांप ने नहीं बल्कि एक छोटी सी बर ने काट लिया है, लेकिन
नाना जी मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन नाना जी इतने घबरा चुके थे कि उन्होंने लेखक को बोलने का कुछ भी मौका ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। और जैसे ही लेखक कुछ कहना चाहता था, वैसे ही उनके नाना जी उसको चुप करा देते थे। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। थोड़ी देर के पश्चात जब बर के काटने का असर कम होने लगा तो लेखक की उंगली का दर्द भी कम होने लगा। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पा रहे थे और वो लेखक को वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे और झाड़ फूँक का जो कार्यक्रम था वह चल रहा था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ अब समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। और उस व्यक्ति ने बातें बनाते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि बच्चे को उनके पास समय से ले जाया गया, जिससे उसका इलाज सुचारू रूप से हो गया और अब बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है, नाना जी बच्चे को ले जा सकते हैं। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और जब सब लोगों को पता चला कि लेखक की तबीयत बिल्कुल सही है, सांप के जहर का असर उस पर नहीं है, तो सब लोग निश्चिंत हो गए और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी। और जब नाना जी घर आए तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए जिसने लेखक का उपचार किया था उसको बहुत सारे उपहार दिए और भेंट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी। तो क्यों बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कहानी की बात। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं देने की कोशिश करनी है। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो नाना जी बच्चे को क्यों ले गए थे बच्चों? बिल्कुल सही, नाना जी झाड़ फूँक वाले के पास बच्चे को इसलिए ले गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्चे को सांप ने काटा है और सांप के काटने का एकमात्र इलाज जो है वह झाड़ फूँक होता है। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, यानी कि मैं यानी लेखक यानी कि वह बच्चा, तो वह बच्चा लेखक आदमी को क्या बताना चाहता था? तो वह बच्चा बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि उसको सांप ने नहीं बल्कि एक बर ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों जब सांप नारियल के खोल में घुसा तो लेखक ने पत्थर के एक टुकड़े से उस नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था कि वह सांप उस खोल के बाहर ना निकल पाए। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो नहीं है ना, बूढ़े आदमी ने उनका जो है वो इलाज नहीं किया था क्योंकि उनको सांप ने काटा ही नहीं था, है ना, उसको एक बर ने काटा था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा क्यों रखा है? क्या तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर रख सकते हो? तो बताओ। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग इस कहानी का नाम रख सकते हैं झाड़ फूँक वाले बाबा, है ना, या जब मुझे बर ने काट खाया। उई माँ, देखिए अब ये नेक्स्ट है एक्टिविटी। कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो इनमें हमें कुछ ऐसे जीवों के, कुछ ऐसे कीड़ों के नाम लिखने हैं जो कि हमें डंक मार सकते हैं।
तो देखिए मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू, मच्छर, ये सारे जंतु ऐसे हैं जो कि हमें डंक मारते हैं। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो बच्चों ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है कि क्या अभी भी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप कोई बात किसी को बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाए? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो बच्चों मैंने तो सांप देखा नहीं, आपने कभी देखा है? बिल्कुल सही, देखा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और सांप को देखकर तो जाहिर सी बात है सबको डर लगेगा, है ना, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? तो बच्चों ये मम्मी पापा से डिस्कस करना है या दीदी या भैया कोई भी हो उससे डिस्कस करना है कि अगर किसी को सांप काट ले तो हमें उसका प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस जगह को कस कर बांध देना चाहिए, जैसे हाथ में काटा है तो कस कर बांध देना चाहिए ताकि उसका जो जहर है, उसका जो असर है वो पूरी बॉडी में ना हो। और उसके बाद फिर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो बच्चों किसी को अगर बर काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? लोहे की किसी भी वस्तु से उस जगह को रगड़ना चाहिए ताकि जो बर का डंक है वो बाहर आ सके और आराम मिल सके दर्द से। किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, है ना, डिटॉल से उस जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए कॉटन से, है ना। अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है तो उसके रोकने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो किसी की अगर आँख में कुछ पड़ जाता है तो ठंडे और साफ पानी से आँखों को धोना चाहिए, रगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी की नाक से अगर खून बह रहा हो तो हमें क्या करना होगा? हमें उस व्यक्ति को इस तरह से बिठाना होगा कि उसका सिर जो है वो नीचे की तरफ रहे, है ना, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो ना हो। कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। तो अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। ज़रा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था? तो देखिए झाड़ियों में छिप सकता था, है ना, घास में छिप सकता था सांप, और जो घर के बाहर आंगन होता है, खुली जगह होती है, उसमें भी सांप छिप सकता था। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो बेटा वो नारियल का जो खोल है वो अहाते में यानी आंगन में कैसे पहुंचा होगा? हो सकता है किसी ने नारियल को खाकर, है ना, या पीकर उसका जो खोल है उसको फेंक दिया होगा। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। तो जो घर से संबंधित शब्द है बच्चों उस पर हमें गोला लगाना है, अहाता, गोला कर लीजिए इस पर, आला, गोला कर लीजिए, रसोई, गोला कर लीजिए, नहर घर में नहीं होती है, है ना, आंगन, गोला, घेर, गोला, छज्जा, गोला कर लीजिए, पुलिया, पुलिया घर का एक हिस्सा नहीं है, कमरा घर का हिस्सा होता है, बरामदा, सीढ़ी, दालान, ये सारे घर के हिस्से होते हैं, जोहड़, मुंडेर, जीना, छत, ये सारे घर के हिस्से होते हैं। अस्तबल घर का हिस्सा नहीं होता है बच्चों, और डाकघर भी घर का हिस्सा नहीं होता है। अटारी घर का हिस्सा होती है, सड़क घर का हिस्सा नहीं होता, रहट भी घर का हिस्सा नहीं होता, टाँड घर का हिस्सा होती है।
उसके बाद नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो इसका अर्थ यह है कि सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोदी में उठाकर भागे, तो इसका अर्थ होता है वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, इसका अर्थ होता है कि अब बच्चा सुरक्षित है। नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी, तो नाना ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उपहार में भेजी। कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही का निशान लगाओ और इन्हें बोल कर देखो, मतलब हमें सही चिन्हों का प्रयोग करना है। नानी चीख उठी सांप, तो नानी चीख उठी सांप में हम लोग जो है ये विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, जिसमें एक डंडा है और नीचे एक बिंदी है, वह वाला चिन्ह बच्चों कहलाता है विस्मय सूचक चिन्ह, तो हमें वह वाला चिन्ह लगाना है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम लगाना है। क्या तुम बाजार चलोगी में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, इसमें हमें विराम लगाना है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। आहा कितनी मीठी है, इसमें भी हम फिर से विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखो, क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर नादान होशियार शरारती डरपोक या शर्मीला, आपके अकॉर्डिंग वह लड़का कैसा था जिसने सांप को पकड़ा, तो हम उसको शरारती लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सांप को लेकर वह खेल रहा था और सांप जो है वो खेलने की वस्तु नहीं होती है, तो मेरे अनुसार वह एक शरारती लड़का था, शरारती बच्चा था। और आप अपना अनुभव भी बता सकते हो, अपना अनुभव भी इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।